कोरबा जिला में एक विवश पिता ACCL दा गेवरा परियोजना एवं शासन के रवैये से तंग होकर के अपनी चार बेटी और एक बेटे के साथ इच्छा मृत्यु की मांग कलेक्टर से किया है। सन 1975-76 में शासन की ओर से ग्राम कोसमुंदा तहसील कटगोरा निवासी शक्तिदास पिता मोहर दास को खसरा नंबर 438/1 का रकबा 3 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ और नियमानुसार राजस्व विभाग के सभी दस्तावेजों में उसका नाम भी दर्ज हुआ। जमीन को ACCL द्वारा कोयला खदान के लिए अर्जित कर ली गई, लेकिन जमीन के बदले में ACCL से किसान को मिलने वाली मुआवजा, रोजगार, बसावट व अन्य सुविधाएं अभी तक प्रदान नहीं हुई। इसके लिए शक्तिदास पुत्र बंसीदास महन ने कई बार ACCL प्रबंधन और शासन प्रशासन से शिकायत कर जानकारी प्रदान किया। न्यायालय ने तहसीलदार कटघोरा के आदेश के अनुसार जमीन मालिक को भूस्वामी मानते हुए ACCL कुशमुंडा गेवरा परियोजना को मुआवजा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश भी जारी हुआ। साथ ही उसी खसरा नंबर की भूमि का अन्य किसानों को अब तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी मिल चुकी है, किंतु इस किसान को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। बंसीदास महंत के 4 बेटियां और 1 पुत्र है। उसकी पत्नी और माता पिता समय से पहले ही मृत्यु के काल में समा चुके हैं। बंसीदास इसका जिम्मेदार ACCL और प्रशासन के कार्यशैली को मानता है। उसका आरोप है, समय पर जमीन का मुआवजा और रोजगार मिल गया होता तो आज मेरा परिवार जीवित होते। मैं भी 80% विकलांग हो चुका हूँ। मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। मैं अपने बच्चों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कलेक्टर कोरबा से बच्चों सहित इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। अगर प्रशासन मेरी आवेदन पत्र पर मौन रहती है, मैं प्रशासन की मौन स्वीकृत मानकर अपने बच्चों सहित आत्मदाह कर लूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी, बंसीदास महंत के इच्छा मृत्यु जैसे गंभीर आवेदन पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।